गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच ट्रिग्नोमेट्री। तो लेट्स स्टूडेंट्स, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए हमें समझना होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते क्या, ठीक है? कुछ उसमें वर्डिंग होती है, साइन, कॉस, कोसेक, तो ये आते कहाँ से, वो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, ठीक है? हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आते कहाँ से हैं? एक ट्राइंगल है, ठीक है? ट्राइंगल में क्या क्या होता है? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, ठीक है? और ये इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है और ये जो एंगल है इसका, इसको हम बोलते हैं थीटा, ठीक है? तो अब इसमें रेशियो पता करने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को हम क्या बोलते हैं? साइन थीटा, ठीक है? और कोसेक उसका उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सैक उसका जस्ट अपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। देन टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट उसका जस्ट अपोजिट होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसको याद कैसे रखें, ठीक है? याद करने की एक मैं आपको इजी ट्रिक बता देता हूं। एक पंडित था बद्री प्रसाद नाम का, तो वो क्या करता था? हर हर बोलता था और सोना चांदी बोलता था, ठीक है? तो हम इसको याद कैसे करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सुना है इसमें से? पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, हर का एच, फिर हर का एच और बी का, बोल का बी, ठीक है? अब सोना का एस, चांदी का सी एंड तोल का टी। तो पी अपॉन एच इज इक्वल टू एस, एस मतलब साइन, ठीक है? बी अपॉन एच इज इक्वल टू सी, सी मतलब कॉस। बी अपॉन पी अपॉन बी इज इक्वल टू टेन, टेन, ठीक है? अब इसमें क्या है, साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कोसेक, ठीक है? तो वो हमें इससे इजी याद हो जाएगा कि साइन का क्या था? पी अपॉन एच। कॉस का क्या था? बी अपॉन एच। टेन का क्या था? पी अपॉन बी। तो कैसे याद रखना है? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना। स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है? उसके बाद कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा। tan theta is equal to 1 upon cot theta and cot theta is equal to 1 upon tan theta. Now another formula of tan theta is equal to sin theta upon cos theta and cot theta is equal to cos theta upon sin theta, just opposite to each other. And the other formula is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. These are the formulae on which we have to exercise करते हैं। Exercise है 8.4, जो कि board के exam के लिए बहुत ज़्यादा important है। ये अकेली exercise में से 6 marks का question आते हैं, एक 2 number का और एक 4 number, ठीक है? तो इसके फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए क्योंकि वो इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन से, ठीक है? थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है? साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? कॉस थीटा। एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? साइन थीटा। जब यहाँ पे ऊपर भी दो दिए हों और नीचे भी दो दिए हों, ठीक है? तो हमें करना क्या है इसमें?
ऊपर वाले एक को चेंज करेंगे और नीचे वाले एक को चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, जो थीटा दिया हुआ है उसको 90 माइनस करके लिखेंगे। अब यहाँ क्या था, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, तो इसको मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27। जब 90 में से 27 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 63 प्लस, इसको एज इट इज लिख दिया अपॉन। अब नीचे भी एक चेंज करना है तो कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17। जब 90 में से हम 17 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 73। अब ऊपर क्या हो गया, साइन स्क्वायर 90 माइनस, इसको क्या मान लेंगे हम, थीटा। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा। तो थीटा क्या है, 27, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। उसके बाद कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। 17 था, 17 को क्या माना था हमने, थीटा। ठीक है, अब यहां से क्या आया, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, तो यहां से कौन सा फॉर्मूला आ रहा है हमें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1। यहां पे भी सेम आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी भी वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 दोनों कट होके क्या बचा, 1। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। ठीक है, तो वही करते हैं इसमें, इसमें दो दिए हुए हैं इसमें से एक को चेंज करेंगे, इसमें दो दिए हुए हैं तो इसमें से एक को चेंज करेंगे। यहाँ पे हम चेंज करते हैं, साइन 25 है तो 90 माइनस 65, क्यों किया मैंने 90 माइनस 65, क्योंकि जब 90 में से 65 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 25 इंटू कॉस 65 प्लस, अभी यहां पे हमने 25 वाला चेंज किया था तो इधर भी हमें 25 वाला ही चेंज करना है, तो कॉस 90 माइनस 65, ठीक है, इंटू साइन 65। नेक्स्ट स्टेप इज साइन 90 माइनस थीटा, क्या बताया था मैंने, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड थीटा इज 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड थीटा इज 65 इंटू साइन 65। ठीक है, उसके बाद कॉस 65 इंटू कॉस 65 इट मीन्स कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन 65 इंटू साइन 65 विच मीन्स साइन स्क्वायर 65। अब यहां से एक फॉर्मूला आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू 1, सो आंसर इज फोर्थ क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट एंड क्वेश्चन इज 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, तो दोनों में 9 क्या है कॉमन है तो उसको बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। अब एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहां पे हमें क्या करना है, केवल sec स्क्वायर a की जगह क्या रखना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर a, 9 एज इट इज कॉमन रहेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर a माइनस क्या है, टेन स्क्वायर a, प्लस का टेन स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर क्या बचा, 1, तो
9 × 1 इज इक्वल टू 9 इज सेकेंड पार्ट 1 + tan θ + sec θ 1 + cot θ - cosec θ। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमेशा इनको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करना है, साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लेना है। तो करेंगे 1 + tan का क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन का क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और सेक का क्या होता है, 1 upon cos θ। ठीक है, 1 + cot θ का क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू tan थीटा, मतलब cos थीटा अपॉन sin थीटा। एंड cosec थीटा का क्या होता है, 1 upon sin θ। अब इसके बाद क्या करना है, इसका LCM लेके हमें सॉल्व करना है। इसका LCM क्या आ जाएगा, cos थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। यहाँ पे LCM क्या आ जाएगा, sin थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस। अब यहाँ से एक आइडेंटिटी आ रही है हमारे पास, इसको अगर हम ए माने तो ए प्लस बी ए माइनस बी, समझ में आ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर करेंगे हम, पूरे का हमें एलसीएम लिया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन अब इसमें एक और आइडेंटिटी यहां पे आ गई, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस 1 और अपॉन में क्या आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है, 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 माइनस 1, दोनों कट हो गए, एक कॉस थीटा नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और 2 ऊपर है। ठीक है, तो क्या बचा, 2 बच गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कट हो गया, आंसर क्या आ गया, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a। तो मैंने बताया था कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो किस चीज में चेंज करना है उसको, साइन और कॉस की फॉर्म में। तो 1 sec a का क्या होता है, 1 अपॉन कॉस a, और tan का क्या होता है, साइन अपॉन कॉस a। उसको पहले से साइन में दे रखा तो उसे एज अ डी छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, दोनों का इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस a, ऊपर क्या है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो उसका हम क्या कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आया यहाँ पे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो उसको हम
वन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से अगर हम साइन को इधर लेके जाएं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अपॉन में क्या है, कॉस ए, एक कॉस ए से स्क्वायर कट हो गया, आंसर क्या आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। फॉर्मूला था वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो केवल हमने फॉर्मूला लिख लिया, टेन वन प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह कोसेक स्क्वायर ए, दोनों में स्क्वायर कॉमन है तो होल स्क्वायर लगा लिया। अब उसके बाद sec स्क्वायर का एक और फॉर्मूला था वन अपॉन cos, sec का क्या था वन अपॉन cos एंड cosec का था वन अपॉन sin, तो उसका हमने एक लिख लिया वन अपॉन cos a वन अपॉन sin a एंड होल स्क्वायर। इसकी इसमें मल्टीप्लाई की तो क्या आया sin a, इसकी इसमें मल्टीप्लाई की तो क्या आया cos a और उसका होल स्क्वायर। sin a अपॉन cos a क्या हो गया, tan a, टेन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद उसका मतलब हो गया टेन ए होल स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर ए एंड दैट इज द